ओएम के सिक्स लेग्स ने यूनिक की याशा को नॉक किया, टेम्पो की चिकन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, रेगल टॉस ने वहां पे एसएलआर से ओएम के सिक्स लेग्स को मार गिराया। सो बेसिकली यहां पे चार टीम्स है, ओमेन, यूनिक, टेम्पो एंड सोल, ये चारों टीम थी तुझे काफी करीब है। यहाँ पे सोल पुशन कर रही है ओमेन एलीट पे एंड वहां पे जूटे ओपन ने पकड़ा गया, बाकी प्लेयर दिख रहे ओमेन जूटे वहां पे जाएगा, मॉर्टल वहां पे रशिंग करते हुए एंड यहाँ पे ओमेन के दो प्लेयर्स नॉक्ट है, वाइपर कार्नेज, कार्नेज को भी मॉर्टल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ओमेन एलीट के लिए काफी ज्यादा दिक्कत, रेगल टॉस मॉर्टल चार्ज देते हुए एंड यहाँ पे पीछे से आया कार्नेज, उसको ओमेन नॉक करते हुए एंड यहाँ पे टीम सोल एक पुश करते हुए ओमेन एलीट को कंप्लीटली नॉक एंड एलिमिनेट करते हुए, क्या बेहतरीन पुश, वाइपर वहां पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधा जाएंगे ऑरेंज के गोद में जहां से उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा, मॉर्टल वहां पे M762 बैक टू बेसिक्स यूज करते हुए कार 98 निकाला, बट इट्स टू लेट, बट जीजी, व्हाट एन अमेजिंग पुश एंड व्हाट एन अमेजिंग रन बाय टीम सोल, मतलब फनेटिक और सोल क्या ही परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन द टॉप रहते हैं। वहां पे वाइपर ने ओवेस को पिक ऑफ किया एंड यहां पे सोल वर्सेस फनेटिक की फाइट हो रही है एंड वहां पे वाइपर ने ओवेस को कंफर्म कर लिया, दिस इज हार्मफुल फॉर फनेटिक। मीनवाइल यहां पे एक्सक्यूएफ वर्सेस मेगा की फाइट जहां पे पॉन्स ने पिक ऑफ किया ऑर्डर को, जिमी को फोर्स किया वापस क्लोजिंग करने के लिए एंड वहां पे चिका ने फनेटिक के रौनक को पिक ऑफ किया एंड यहां पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया, फनेटिक गेटिंग थर्ड पार्टी एक्चुअली सैंडविच बिटवीन सोल एंड टेम्पो। मीनवाइल यहां पे एक इंटरेस्टिंग फाइट एक्सक्यूएफ और मेगा के बीच में, एक्सक्यूएफ के प्लेयर्स मेगा को बैकफुट पे भेजे हैं, अमन ने वहां पे यूडो के ड्रैक्स को पिक ऑफ किया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, यूडो के मैन फ्रैंक ने वहां पे अमन को पिक ऑफ किया, वाइपर ने वहां पे एश को पिक ऑफ किया एंड यहां पे बहुत कुछ चल रहा है, ओवर टू यू माजिस। बिल्कुल बिल्कुल, निको के द्वारा और शायद बॉय भी डाउन हो चुके हैं, मैनप्रैंक डाउन होते हुए, चिका भी डाउन हुए, स्काउटो भी डाउन हुए, शायद इसी के साथ फेनेटिक के स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए 13 पोजीशन पे, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ पे होता हुआ, अपने आप से थोड़ा सा नाखुश होंगे, बट जिमी की बात करें ऊपर से शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए और एक्सकेप की स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए 12th पोजीशन पे, मेगा जैसा मैं बोल रहा था कारनामा उनको दिखाना पड़ेगा, दिखा दिया है, मॉर्टल डाउन होते हुए, अमन डाउन होते हुए, यूडू गैंग फंस चुकी है यहाँ पे, या फिर मॉर्टल की स्क्वाड फंस चुकी है, मॉर्टल की स्क्वाड फंस चुकी है, एलिमिनेट किया 11th पोजीशन पे था, तो गैपस काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए 7 के ले चुके हैं, वहां पे 4AM के प्लेयर ने नेट से पूरे के पूरे टेम्पो के स्क्वाड को फिनिश ऑफ कर दिया, सुख के 3 नेट से पूरी की पूरी टीम यहाँ पे वाइप आउट होते हुए, मेगा भी एलिमिनेट होते हुए, मेगा का खराब रन भी कंटिन्यू होते हम आ चुके हैं टॉप 7 स्क्वाड, सिनर्जी इस गेम, ये गेम सिनर्जी की है आई एम प्रीटी श्योर, आप देखिए उनके पास सब कुछ है बट उनके सामने 4AM है, अगर सिनर्जी वहाँ पे 4AM को हटाए तो दे माइट गो फॉर अ चिकन डिनर एंड वी कैन सी समथिंग रियली गुड। पत्नी का टैप फायर देने की कोशिश है यूडू गैंग पे, जस्ट सामने उनके डीकेजी के मॉक्सिन डाउन होते हुए, वेनम के द्वारा स्राइडर ने फिनिश किया मॉक्सिन को, इंस्टेंट जंपर नॉक आउट होते हुए यूडू के जंपर और इनको पढ़ाया, ओके एसएलआर से नॉक हुए, बट अगर बात करें स्टॉकर की तो जंपर को उन्होंने नॉक किया, ओके डीकेजी की बात करें क्रेज दूसरे साइड एसजी की स्क्वाड में भी थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, डीकेजी को अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, एमएल थोड़ा सा नेट्स करते हुए शाइडर की तरफ और अब एसजी के लिए एक अच्छा चांस है, चार किल निकाल सकते हैं, ऊपर उनके पास हाई रिच एडवांटेज भी है, नीचे क्रेजी है, मैट जीजी काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से, मैट जीजी पकड़े गए, नॉक आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और होंगे, 4AM के स्क्वाड में वो अपना कमाल दिखाते हुए थक, या आई थिंक ये गेम 4AM के लिए पूरा गेम चाहिए, टूर्नामेंट में पूरा डिफरेंस ला सकता है, अगर 4AM इस गेम में चिकन डिनर निकाल लेते हैं तो उन लोग जाएंगे सीधे नंबर वन स्पॉट पे एंड उन लोग सेकंड लास्ट गेम में उनका एक सॉलिड कमबैक उन लोग स्क्रिप्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे 4SG की अगर बात करें काफी ज्यादा एडवांटेज है उनके पास, एक किल ले चुके हैं, हाइट एडवांटेज है, जोन उन पे है, तो आई थिंक SG गॉट सारे एडवांटेज उनको मिल चुका है जो उनको चाहिए था, तो थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से उन लोग खेल पाते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करना है जोन के लिए, बट देन उतना मूवमेंट इज नॉर्मल, अब लेट्स सी DKG वर्सेस C9 वर्सेस SG, यहाँ पे DKG काफी ज्यादा सैंडविच हो चुकी है दो टीम्स के बीच में, दो 4-man स्क्वाड्स के बीच में, वही दिन में कल के दिन में भी, यहाँ पे DKG के क्रेजी सिर्वी को पिक ऑफ करते हुए, ऑस्टिन को वहाँ पे C9 के बेउल को पिक ऑफ करते हुए एंड यहाँ पे सिनर्जी एक बार में बहुत ही अच्छे स्पॉट से 5th नंबर पे एलिमिनेट होते हुए एंड यहाँ पे DKG के MLB भी जाते हुए 4AM यहाँ पे, लेकिन पूरा फुल ऑन एग्रेसिव मोड में आते हुए आप देख सकते हो, सारे प्लेयर्स आउट ऑन टॉप, आउट इन द ओपन, परकिसस वहाँ पे ओपन, सुख के शॉट्स कनेक्ट हुए, DKG एलिमिनेट हो गया, 4AM के लिए गोल्डन चांस 4v2v1 के सिचुएशन को कैपिटलाइज करके अपने लिए वापस वो नंबर वन स्पॉट को रिगन करते हैं, वहाँ पे ऑरेंज के 5 स्पॉट हो चुके हैं, एक टैप दो टैप एंड यहाँ पे ऑरेंज इज एलिमिनेट एज वेल, इट्स अ 4v2 सिचुएशन, 4AM वर्सेस C9 दोनों ही टीम जोन के अंदर है एंड यहाँ पे आई गेस इट्स अ चिकन डिनर गोइंग ऑन 4AM's वे विद 12 किल्स। मैं इसी की बात कर रहा था, क्लाउड 9 आराम से टॉप 3 पोजीशन जा सकते हैं बट थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे, दो मिनट बचे हैं, 2v4 का सिचुएशन पूरी तरह रश करेगी और नेट्स की भरमार तो होती है 4AM के स्क्वाड पे, पूरी तरह से नेट करेंगे, पायरा की बात करें तो प्लीज उनके बाहर ना, कोई मैच खत्म हो गया एंड यहाँ पे आई थिंक लास्ट में कुछ ग्लिच हुआ, उन लोग पता नहीं जोन से मरे या हमें दिखा नहीं कि क्या हुआ, पर यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा चिकन डिनर आउट ऑफ सडनली से मैच खत्म हुआ।